कि ये बोल ना सके. एक्चुअली भी बहुत सारे हस्बैंड्स ये देखकर बोल रहे हैं काश मुझे अपनी बीवी के मुंह पे पट्टी बांधने का मौका मिल जाए. अलग अलग सोचे होंगी सबकी. कोई कह रहा होगा काश ये पट्टी में मुंह से थोड़ी सी नीचे बांध लूं. तो हो गई. ओके चलो अब आप अपनी बेगम को पट्टी बांधो मुंह पे. हाँ भाई लिपस्टिक नहीं खराब करना. बस लिपस्टिक नहीं खराब करना. वो हम सही कर देंगे. अब इतनी भी हल्के नहीं बांधना कि वो बार बार गिरती रहे. लिपस्टिक सही हो जाएगी. टेंशन नहीं लो. वो टेंशन नहीं है. तुम जाओगी तो मैं पूरा सेगमेंट तुम्हारा मुंह बंद किए कर लूंगी. ओके हो गया सही. चलो अब तुम दोनों हमारे साथ आओ. ये यमुना तुम्हारा काउंटर है और जैद ये तुम्हारा काउंटर है. काउंटर के पीछे जाना है. काउंटर के पीछे. हाँ काउंटर के पीछे जाना है. जब तुम लोग स्टार्ट मतलब लाइक तुम लोग यहाँ रेडी हो जाओ तो मुझे इशारा कर दो क्योंकि तुम लोग बोल नहीं सकते हो. अब तुम लोगों की अब जबान बंद गई. ओके रेडी है. गेट सेट फरा ओवर टू यू. अब मैं गेस्ट हूँ और तुम होस्ट हो. चलो शुरू हो जाओ. तो आज हम बड़ी मजेदार सी एक बर्गर बना रहे हैं क्योंकि हमारे जो गेस्ट आए वो विलायत से आए हुए हैं. तो हमने सोचा कि कुछ विलायती चीज होनी चाहिए वरना तो हमने थोड़ा सा रियायत दे दी कि चले बहुत आसान सी चीज हमें दे दें. बहुत आसान सा है. बर्गर है लेकिन ये मस्टर्ड सॉस के साथ है. बहुत ही आसान है. जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि बर्गर बनाना है तो पैटी किस तरह से बनाएंगे. यहाँ पे तो चूल्हा नहीं रखा हुआ. रखा भी हुआ है तो फ्राई कैसे करेंगे. लेकिन मैंने आपके लिए मसला हल कर दिया है. चिकन बॉयल है. आलू बॉयल है. चिकन को आपने श्रेड करना है. उसको आपने रेशा करना है. रेशा करना है. श्रेड करना है. और आलू आपके पास बॉयल पहले से इसको मैश्ड करना है. अच्छी तरह से मैश करें इसको. चिकन और आलू को दोनों को मिक्स करें. मुझे लगता है कि आपने मिक्स कर लिया होगा जल्दी जल्दी. उसके बाद आपने काली मिर्च शामिल करनी है. नमक शामिल करना है. व्हाइट जीरा आपके पास पिसा हुआ है वो शामिल करना है. हरी मिर्चें चॉप की हुई शामिल करनी है. साथ साथ बड़ा धनिया भी शामिल करना है. और आपके पास रखा हुआ है यहाँ पर ब्रेड क्रम्स. और निदा और आप सब गवाह कि मैं बहुत आराम से बोल रही हूँ. आज मैं बड़ी आराम से बोल रही हूँ. तो आपने क्रम्स भी आपके पास रखे हुए हैं. तो आपने सारी चीजों को कंबाइन करके मिक्स करके एक बहुत बड़ी सी पैटी बनानी है. कबाब बनाना है आपको बड़ा सा क्योंकि आपके पास बर्गर मौजूद है. उसी साइज का आपने कबाब बनाना है. कबाब बनाने के बाद आपने अब आ जाना है फौरन से सॉस की तरफ. सॉस के लिए मस्टर्ड सॉस आपके पास शामिल है. मस्टर्ड सॉस. फिर आपने बन के दो पीसेस करने. एक हिस्सा जो निचले वाला हिस्सा होता है उस पे आपने सॉस को लगानी है. सॉस लगाने के बाद अच्छी तरह से आप सलाद पत्ता आपके पास मौजूद है. सलाद पत्ता आप उसमें रख दे. सलाद पत्ता लगाने के साथ साथ पैटी जो आपने बनाई थी वो फौरन से उस सलाद के ऊपर आपने रख देनी है. उसके बाद टमाटर आपके पास मौजूद है. टमाटर के आपने स्लाइस कर लेने हैं छोटे बड़े जो आप चाहते हैं जो आपकी सहूलत में आते हैं वो आपने स्लाइस करने के बाद पैटी के ऊपर रख दें. उसके बाद थोड़ी सी सॉस और लगा दें ऊपर. सॉस लगाने के बाद आपने क्या करना है बहुत आसान है. आपके पास स्लाइस आपके पास चीज है वो चीज स्लाइस चीज इसके ऊपर रख दें. रखने के बाद आपने थोड़ा सा टोमेटो केचप लगा देना क्योंकि चटपटा होगा तो मजा आएगा. ये आपने करके जो बन का ऊपर वाला हिस्सा था उससे आपने पैक कर देना है. ये हमारा जो था बर्गर चिकन बर्गर. एक बात कहना चाहूंगी फरा. ये पहले वो गेस्ट है. हाँ. आप जो भी बोल रही हूँ कोई पैनिक क्रिएट नहीं हो रहा. जैद की मैं स्पीड में देख रही हूँ वो चिल चल रहा है. वो कहता है बोलती है बोलती तो बोल.